खबर खाचरौद लोहारी गांव से। गांव से मूलभूत सुविधा नहीं होने से ग्रामीण परेशान। गांव में नाली नहीं होने पर दुर्घटना का हो रहा है शिकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं खाचरौद तहसील, जहां गांव में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में नालियां नहीं होने से गांव सड़कों पर ही पानी जमा हो जाता है, जिससे लोग दुर्घटना के शिकार हो। सड़कों पर इतना कीचड़ जमा हो गया जिससे वाहन तो दूर, लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। बारिश के मौसम में तो यहाँ के लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि बिजली विभाग वालों ने तारों को भी खुला छोड़ रखा है, जिससे गांव बड़ी हानि होने से कई बार टल चुकी है। सर, मेरे गांव में ये बिजली विभाग वाले को मैंने बहुत बार बोला है, सुपरवाइजर साहब को और इनको भी, और ग्राम पंचायत में सूचना दी। बाकी ये गांव के अंदर ग्राइडिंग नहीं है, उस ग्राइडिंग नहीं होने के कारण एक बार भी तार पहले टूट गया था। अच्छा। पहले भी जनहानि होते होते बची थी, और कई बार बिजली विभाग से हमने अनुरोध करा, इसलिए बोल उन्होंने सुना अनसुना कर देता हर बार, और बार बार बोलते सुनते नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि बारिश में हवा पानी चलती है तो अगर कोई तार टूट जाए जनहानि होना है, क्योंकि यहाँ सब यही रहते हैं, गांव बस्ती है, तो इसके सिवा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। हमने एमपीपी में बोला था, दो तीन बार सुपरवाइजर साहब आए थे, बोले मोरे को लिख के दे देना, बोल देना ये हम करवा देंगे। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और बहुत परेशानी आती है। और ये हमारे जिसके बाद में ग्राम पंचायत सुपरवाइजर साहब को बोला था, वो आए थे पहले, थोड़े दिन पहले, नाम थोड़ा पता नहीं है सर उनका, आए थे, हमने बात भी हुई। और नाली का सरपंच साहब को भी बोला था हमने कि हमारे ग्राम पंचायत की नाली बन रही है, ये आदिम जाति कल्याण विभाग के 20 लाख रुपए आए थे, कुछ शमशान की तरफ रोड बनाया और ये नाली बनी थी इन्होंने, और डांकने का बोला था तो बोलेगा ये प्रावधान नहीं है। तो ये देखो तो हमारे ये नाली में अभी ट्रैक्टर वैक्टर आने जाने की बहुत परेशानी है घर के अंदर। तो आप से निवेदन है कि जल्द से जल्द ये नाली बनाने की, ढांकने की कृपा करें इसके ऊपर संधा। और दूसरी बस समस्या ये है कि अभी संधा रोड पर बच्चे उधर से आते हैं तो जा नहीं सकते उधर, और पैदल पैदल आते हैं, और परेशानी हो रही है संधा रोड की भी, बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारे को। अभी जो बारिश का सीजन चल रहा है इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों की हालत बहुत से बदतर से बद से बदतर है, और यहाँ पर नालियों का निकास नहीं किया गया है। नालियाँ जो है सड़क का पानी जो है नालियों का पानी जो सड़क पर आ रहा है, और जो यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं यहाँ पर जो शिकायत कर रहे हैं, इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर यही हालत है, और कई बार हमने शिकायत की और शिकायत करने के बाद में इसका कोई निराकरण नहीं निकला। तो ये कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है दादा आपका? मांगू सिंह नाम। मांगू सिंह जी, क्या 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 प्रॉब्लम है यहाँ? ये नाली वगैरह सब दिक्कत आई थी इसमें, पानी की कीचड़ की, बच्चा तो नदी है, तो पानी नाले में नहीं जा रहा, क्रॉस नहीं हो रहा, क्रॉस नहीं हो रहा, क्रॉस नहीं हो रहा, हमेशा हमेशा 3-4 साल से यही समस्या चल रही है। सब किसी को भी बता दिया, अभी कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। अच्छा, आपने सरपंच और सचिव को बताया? आपने सबको बता दिया। हम क्या बोल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कर देंगे बहुत, यही बोल रहे हैं। ये तो खड़िंजा पे यही मिस्टेक आ रही, तो उधर जाओ तो हम ट्रैक्टर से बच्चे लेने जा रहे हैं। अच्छा, बच्चों को ट्रैक्टर से लेने? हाँ, लाना जा छोड़ना पड़ता है हमको, रास्ता ही नहीं है। ट्रैक्टर लेके आया मैं अभी, बच्चे बहुत खराब है। 20 बच्चे। कौन सा गाँव है ये? लोहारी बड़ा चल। तो सरपंच का नाम क्या है? वीरम सिंह गुज्जर। वीरम सिंह जी, तो ये सरपंच को शिकायत करने के बाद कोई निराकरण नहीं निकला आप लोगों का? तो अभी जैसे आप लोग अभी चलो ठीक है, अभी बारिश रुकी भी है कुछ समय से, बारिश अभी तक नहीं हो रही है, अगर ज्यादा बारिश होती तो क्या हालत होती होगी आप लोग? ज्यादा बारिश होने के बाद बच्चा बच्चे घर में रहते हैं, फिर घर में रहते स्कूल नहीं जा पाते। वह नाली का ढक्कन बना दिया, ये नाली बना दी, उसका ढक्कन भी नहीं बनाया, मतलब नालियाँ बना दी गई, उसका ढक्कन लगाया गया। हाँ, जिसके कारण बहुत दिक्कत आती है भाई। पानी की क्या व्यवस्था, पानी किस प्रकार से आ रहा है आपके? नल वल लगाए कि नहीं लगाए? पानी तो नल वल में आ रहा है, आ रहा है बराबर, अपन नाली रोड से ऊपर है। अच्छा, नाली रोड से ऊपर हो गई है। तो इन्होंने बताया ये ग्रामीण जो थे लोहारी गांव के, जो खाचरौद तहसील के अंदर गांव पड़ने वाला लोहारी, जिसके अंतर्गत ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर नालियाँ भी तो हैं पर उसकी निकासी नहीं है, जिसके कारण जो नालियों का पानी जो है सड़कों पर आ रहा है, और इन लोगों को अच्छी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन दिव्यांशु के साथ मैं संजय शर्मा, खाचरौद। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।